हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू इंचिरा। मैं आज आपको बैंक निफ्टी का एक महीने का परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ, तो यानी कि अक्टूबर पूरा परफॉर्मेंस, यानी कि पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक। ओके, पहली या दूसरी संडे सैटरडे था, तो इसमें तीसरी तारीख से लेकर 14 तारीख में बैंक निफ्टी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है तो हम लोग चेक करते हैं। उसी के साथ हमारा सॉफ्टवेयर की एक्यूरेसी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और किसी को इक्विटी के अलावा कमोडिटी और उसी के साथ में यानी कि आपको फॉरेक्स और आपको अग्री भी मिलता है, तो यानी कि पूरी मार्केट का डेमो एटलीस्ट एक ही टाइम में आपको सॉफ्टवेयर में पूरी मार्केट मिलेगा। तो सारे लोग यानी कि इक्विटी के अलावा कमोडिटी और फॉरेक्स में करते हैं, पर सिर्फ आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी यानी कि फॉलोअप करेंगे, और पक्का ट्रेड यानी कि और कोई स्टॉक में यानी कि आपको ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको पक्का बैंक निफ्टी ही फॉलो करेंगे, तो पक्का डेफिनेटली आपको वीकली वाइज यानी कि वीकली में तो एक या दो सेकेंड का फिर रिवर्स हो सकता है, बाकी हर ट्रेड यानी कि सक्सेसफुल होगा। तो यानी कि वीडियो एंड तक वॉच कीजिए, हमारा सॉफ्टवेयर इंट्राडे की लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पर फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ लाइव, और साथ में पास परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगी। और 8139033994 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो इसमें से आपको व्हाट्सअप कर सकते हो। डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, मैं सीमा कृष्णा। ओके, तभी चलते हैं। फिलहाल मैं आपको नीचे, आप सबसे नीचे देखिए, छोटी सी हैंड राइटिंग में वहाँ पे डेट दिखेगा, 3 अक्टूबर की फिलहाल डेट है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ग्रीन कलर अप आ रो और रेड कलर डाउन आ रो, ये सेल है ये बाय है, दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल्स आपको अलर्ट के साथ यानी कि ये बेल साउंड के अलर्ट के साथ मिलेगा। साथ में लेटेस्ट सिग्नल जो भी बनते हैं उसका डिटेल्स, लेटेस्ट सिग्नल आज एक्चुअली गैप अप ओपनिंग हुआ था, मैं दिखाऊंगी लास्ट में आपको, तो पर उसके पहले मैं आपको परफॉर्मेंस आज की फिलहाल दिखा के फिर परफॉर्मेंस में 3 अक्टूबर से लेकर हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो आज गैप अप ओपन हुआ था, तो यानी कि फिलहाल लेटेस्ट सिग्नल की जो डिटेल्स आपको ऊपर मिलेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 920 को 39,619, तो उसका 3 टारगेट यहाँ पे नीचे मेंशन किया, पर स्टॉप लॉस हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया था, अगेन आपको बता रही हूँ, तो यानी कि गैप अप ओपनिंग में हड़बड़ी में सिग्नल लेंगे तो आपको ऑब्वियसली SL हिट होगा, तो यानी कि वहाँ पे आपको तो यानी कि परफेक्ट सिग्नल मिलेगा भी नहीं, तो यानी कि गैप अप ओपनिंग में हमेशा आप कन्फर्मेशन 4 लेवल आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यानी कि तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो कैंडल कलर और वॉल्यूम बार और प्राइस एंड बाय साउंड, अगर यहाँ पे देखिए सिग्नल यहाँ पे आए थे, और उसी के कैंडल कलर भी सेम सिग्नल कलर चाहिए, और नीचे का वॉल्यूम बार और प्राइस एंड बाय साउंड साथ में, तो यानी कि रेसिस्टेंस लेवल यानी कि जहाँ पे कंफर्म होता है उसका दूसरी कैंडल में सादा ओपनिंग में ले सकते हैं, पर गैप अप ओपनिंग में हमेशा तो यानी कि मार्केट जितना ऊपर जाकर ओपन हो तो उतना मार्केट पुल बैक हमेशा देगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैप अप ओपन के साथ में मार्केट यहाँ पे सेकेंड कैंडल में कन्फर्म हो चुकी थी, पर थोड़ा सा उतना यहाँ से डाउन होने के बाद ही मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़े थे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो एक्चुअली पोजीशन हमारा तो यहाँ पे बनेगा, तो ये पोजीशन में आप ले सकते, 39,442 से हमने पोजीशन बनाए थे, अभी 629 तक हमने पोजीशन बना थे, यानी कि वहाँ तक हमने पोजीशन होल्ड किया था। तो ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा भी डाउन होते थे, यानी कि थोड़ा सा डाउन होने के चांस यहाँ पे लगा रहते हैं, तो पोजीशन में आपका पोजीशन कट कीजिएगा, ज़्यादा होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल साइड वे दिखा रही हूँ, डाउन होने का चांस यहाँ पे दिया है, तो फिलहाल आपकी पोजीशन कट कर सकते हो। ओके, तो ये आज की परफॉर्मेंस है, इसमें आराम से हमारा 150 पॉइंट्स के हिसाब से ज़रूर हासिल किया है। तो उसके पहले तो यानी कि 3 अक्टूबर से हम शुरू करते हैं अभी, तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो 3 अक्टूबर, यहाँ पे देख लीजिए 3 अक्टूबर का ये डेट है, तो आप नीचे सेलेक्ट कर सकते पीछे जाने के लिए, तो यहाँ पे ए एल क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही पीछे जाएगा, तो नहीं तो वहाँ पे होल्ड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए 3 अक्टूबर का ये, तो यानी कि ये डे ब्रेक का लाइन, तो यहाँ पे एक डे को ब्रेक करता है, तो ये वाइट कलर डॉट लाइन वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे देख सकते हो ये डे का एंडिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये रेड कलर डाउन आ रहा कल क्लोजिंग में उसी टाइम, यानी कि
अप्रॉक्सीमेट 30 सितंबर की जो क्लोजिंग में, तो यानी कि ये सिग्नल दिया था तो उसकी कंटिन्यूएशन दूसरे दिन में गए थे, तो सेम डाउन ओपन हुआ था, सपोर्ट यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो सपोर्ट यहाँ पे तोड़ा था, तो अप्रॉक्सीमेट हमने यहाँ पे पोजीशन बनाए थे 38,500 में बनाए थे, वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 38,290 तक मार्केट जाकर थोड़ा साइडवे दिया थे। अगेन उसी टाइम फुल साइडवे, यानी कि फुल मार्केट डाउन था, पर बीच बीच साइडवे थे, तो पर फिर भी हमारा पूरा प्रॉफिट हासिल किया था उसी टाइम। और अगेन यहाँ पे देख सकते हो आज की तरह सेम गैप अप ओपनिंग है, तो यानी कि नेक्स्ट डे मतलब नीचे देखिए 4 अक्टूबर में दिए थे, सेम आज की जैसे ही मोमेंट उसी टाइम उसी दिन भी दिया था। तो हमेशा मैंने बोला था आपको हटबड़ी में यानी कि कैंडल कलर सिग्नल देने के बाद कैंडल कलर वॉल्यूम बार प्राइस एंड बाय सोन तीनों साथ में आने के बाद रेजिस्टेंस कहाँ पे, यानी कि ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ पे देखिए डाउन आने के बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर जाती है, पॉइंट पकड़ना है हमें। तो अप्रॉक्सीमेट हमने पोजीशन लिया था 39,083 में, 83 से लेकर 39,342 तक मार्केट गए थे, वहाँ से हम कट किए थे लास्ट में मार्केट क्लोजिंग तक, यानी कि बाई में ही था पर सेल दिए थे, पर वहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दिया था। दूसरे दिन भी सेम ऐसे ही, तो यानी कि दूसरे दिन मतलब 6 अक्टूबर, यानी कि 4 के बाद 5 छुट्टी था, यानी कि 6 अक्टूबर नेक्स्ट डे, तो सेम गैप अप ओपनिंग के बाद भी सेम मार्केट देखें, तो यहाँ पे देखें वन साइड, यानी कि वन साइड मोमेंट लगभग क्लोजिंग तक मार्केट वन साइड मोमेंट ही थे, पर बीच में साइडवे था, पर फिर भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर कंटिन्यू अगर यहाँ पे आपने फिर से कट किए थे तो दोबारा फिर से तो आपको एंट्री करने का मौका यहाँ पे दे रहे थे, कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे नीचे देखिए वॉल्यूम बार ग्रीन ही है। तो उसी दिन भी हमने पोजीशन ये कैंडल में अप्रॉक्सीमेट बनाए थे 39,500 में, 500 से आराम से, यानी कि 645 तक जाकर वहाँ से थोड़ा सा डाउनिश दिया, तो अगेन हमने दोबारा पोजीशन बनाया था 39,668 से 683 तक मार्केट गए थे, वहाँ से फिर अगेन उसी दिन डाउन दिए थे। वो दोनों में 3 दिनों से कंटिन्यूस हमारे लगातार प्रॉफिट में ही था मार्केट, कंटिन्यूसली हमने हमारा सॉफ्टवेयर ने सिग्नल दिया था, प्रॉफिट दिया था। तो नेक्स्ट डे मतलब उसी दिन 6 अक्टूबर में जो सेल दिए थे उसका कंटिन्यूएशन दूसरे दिन गए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यानी कि 39,024 से लेकर काफ़ी डाउन मतलब 38,925, तो वहाँ तक मार्केट गए थे। उसके बाद बाई दिए थे, बाई यहाँ पे देख सकते हो कन्फर्मेशन वहाँ पे बनी नहीं थी, तो यानी कि कल की मार्केट की तरह सेम वहाँ पे बाई सिग्नल तो दिया था पर रेजिस्टेंस ब्रेक किया था ये पॉइंट में, तो वहाँ से सीधा तीनों टारगेट अचीव किए थे अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोजीशन में हमने बनाए थे 39,117 से लेकर मार्केट अभी 39,376 तक गए थे मार्केट, यानी कि कंटिन्यूसली वो भी हमने तीनों लगातार 4 दिनों से हमारा सॉफ्ट विंग छेड़ा बाई सिग्नल दिया था। और नेक्स्ट डे देखिए गैप डाउन, नेक्स्ट डे मतलब 10 अक्टूबर, 7th के बाद सीधा 10th है, तो मार्केट यानी कि 10 अक्टूबर में जब मार्केट ओपन हुए थे गैप डाउन ओपन हुए थे, गैप डाउन के बाद हमें हमेशा बोला था डाउन मार्केट एक गैप अप है, हटबड़ी में पोजीशन लेना। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था डाउन गैप अप गैप डाउन बहुत खतरनाक चीज़ है, हमें पूरा लॉस में डुबो देगी, तो उसी टाइम आप हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो मार्केट फिर से वही लेवल पकड़ दे, पर कभी कभी मार्केट रिवर्स भी हो सकता है, इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ तो यानी कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने के बाद लेना। सेम बाय सिग्नल दिया था, बाय सिग्नल यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ऊपर तक गए थे, तीनों टारगेट अचीव किए थे नेक्स्ट डे, तो यानी कि उसी दिन ही सेल दिए थे, वो सेल एकदम हाइक में ओपन हुए थे, पर टारगेट तो अचीव किए थे पर इतना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से हम कमा नहीं पाए, क्योंकि क्या होता है एक तो यहाँ से लेकर डाउन है तो ऊपर से वहाँ से एकदम नीचे की तरफ यानी कि मार्केट तेजी से नीचे जा रहा था, छोटी सी पॉइंट यहाँ से हासिल कर सकते हैं, रिस्की ट्रेडर्स ही इसमें ज़्यादा से प्रॉफिट कमा पाए। तो टारगेट तो अचीव किया था पर ज़्यादा पॉइंट कन्फर्मेशन के बाद हमें हासिल नहीं कर पाए। ओके, तो सेम लास्ट में बाई दिए थे पर बाई वहाँ से क्लोजिंग में था इसके लिए उठा नहीं पाएगा मार्केट। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होते ही यानी कि काफ़ी फ्लक्चुएशन था, यहाँ पे देख सकते हो डाउन और आप ऐसे डाउन जा रहा था वहाँ पे उसी दिन मतलब 11th अक्टूबर में जो बाई दिया था वहाँ पे कन्फर्म होते होते मार्केट यानी कि रिवर्स हो गया, वो SL हिट हो गया। ऑब्वियसली कन्फर्मेशन के बाद भी हमारा SL हिट हो गया, उसी दिन सेल भी दिए थे, सेल भी एकदम हाइक में नीचे जाकर पड़ा, उसी दिन एक्चुअली हमें प्रॉफिट मिला है लास्ट में, कन्फर्मेशन मैंने जो बोले थे उसके हिसाब से आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे लास्ट में ही ट्रेड बनेगा।
उससे ज़्यादा ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउन में जाकर सीधा हाइक पकड़ के फिर नीचे आते, फिर ऐसे मार्केट फ्लक्चुएटेड है, तो वहाँ से ध्यान से एक्सपर्ट ट्रेडर्स को पहचानने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा मार्केट फ्लक्चुएटेड है, क्योंकि काफ़ी नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एकदम नीचे जा रहा है, तो ऐसे ट्रेड कभी ना ले। इसके लिए हमेशा मैं बोलती हूँ हटबड़ी में मॉर्निंग में ही उठाने के पहले आपको थोड़ा वेट करके ही उठाना चाहिए, तो वहाँ पे परफेक्ट ट्रेड यानी कि एक्यूरेसी के साथ यानी कि सूझबूझ के साथ आपको मिलेगा, तो उसी दिन एक्चुअली हमारा बाकी लगातार कंटिन्यूअसली कुछ दिनों से प्रॉफिट यानी कि कम से कम 3-4 दिनों से प्रॉफिट होने के बाद एक दिन में हमारा एक्सपेक्ट करना ही है वो लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो मार्केट ओपनिंग का कुछ वेट का, ऐसे सिग्नल अवॉइड करने के लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ आधा घंटा हटबड़ी में सिग्नल ना लें, थोड़ा वेट करके सिग्नल लें। ओके, ऐसे सिग्नल हमेशा लास्ट में यानी कि काफ़ी प्रॉफिट मिलने का चांस है यानी कि मार्केट क्लोजिंग आफ्टर 2 o'clock के। ओके, नेक्स्ट डे यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट डे अप्रोक्सीमेट 12th October है, तो नीचे देख सकते हो मॉर्निंग में बाई दिए थे तो बाई कन्फर्म नहीं था और नेक्स्ट सेल दिए थे, सेल कंफर्म होते होते वहाँ पर रिवर्स हो गए, तो ओरिजिनली हमारा 2 दिन एक्चुअली 2 दिन में मॉर्निंग में उसी दिन भी काफ़ी यानी कि फ्लक्चुएशन था और उसी दिन बाई दिए थे, ये बाई भी कंफर्मेशन के बाद भी थोड़ा डाउन जा कर रहे थे, यानी कि लगातार 2 दिन हमारा बैंक निफ्टी ने कुछ यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया था यानी कि अप्रॉक्सीमेट 11th October और 12th October। पर ऐसे मार्केट आप अवॉइड कर सकते हो हमेशा मार्केट की मॉर्निंग का मोमेंट वॉच करें यानी कि मॉर्निंग का ओपनिंग कैसा होता है उसके हिसाब से आपको आराम से तो यानी कि पता चलता है मॉर्निंग मार्केट में मॉर्निंग फ्लक्चुएशन है कि नहीं। और नेक्स्ट डे मतलब कल की यानी कि कल की बात है 13th October, तो आपको पता है मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला था काफ़ी प्रॉफिटेबल था, तो यानी कि थर्सडे एक्सपायरी था तो फिर धमाका यानी कि काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट मिला था यानी कि तो उतना प्रॉफिट हम ले जा सकते थे इतनी मार्केट में कि उतने मार्केट नीचे गिर गए थे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मॉर्निंग में डाउन मार्केट यानी कि सेल दिए थे तो यहाँ से सपोर्ट तोड़ा था, काफ़ी नीचे आए थे। ओके, तो बाई दिया तो भी लास्ट में बाई भी प्रॉफिट खाए थे, तो उसके बाद लास्ट में जो सेल देकर सेल दिया था पर वहाँ से हम प्रॉफिट तो वहाँ पे क्या क्लोजिंग में था इसके लिए हम ले नहीं पाए और आज भी गैप अप ओपनिंग में भी प्रॉफिट कमाए थे, यानी कि टोटली इसमें से देखूंगी तो 2 दिन के अलावा बाकी हर दिन यानी कि मैं अक्टूबर की पूरी परफॉर्मेंस दिखा रही हूँ, यानी कि 3rd October से ही मार्केट शुरू हुए थे तो अक्टूबर फुल अक्टूबर की मार्केट की परफॉर्मेंस मैंने अभी दिखाया था यानी कि दिखा रहा था, तो यानी कि 3rd October से लेकर अभी तक क्या परफॉर्मेंस दिया था यानी कि उसमें से 2 दिन के अलावा बाकी हर दिन इसमें से हमारा प्रॉफिटेबल हमारा सॉफ्टवेयर ने दिए थे, बाकी कोई इसमें से क्या है ना तो यानी कि आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको सेफली ट्रेडिंग करना हो तो आपको कर सकते हो, उसमें से 2 एक्सपेक्ट करते आपको अंडरस्टूड करना है हफ्ते में 1 दिन लॉस होगा ये, तो वो लॉस एक्सपेक्ट करना ही है पर उसमें से अवॉइड कैसे करेंगे मैं आपको अभी दिखाए थे, यानी कि मॉर्निंग में ट्रेड लेने के बला तो यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 तक का मोमेंट वॉच करें यानी कि मार्केट किस तरह फ्लक्चुएशन दे रहा है, यानी कि ऐसे आप चेक करके आफ्टर यानी कि अप्रॉक्सीमेट 10 बजे के आसपास ट्रेड ले तो मार्केट किस तरह मोमेंट दे रहा है, ऐसी ट्रेडिंग करूंगी तो आपको परफेक्टली एक्चुअली तो आराम से प्रॉफिट कमा सकते हो, इसमें से कोई गुंजाइश नहीं। सब लोग बोलते हैं बैंक निफ्टी फ्लक्चुएशन है पर फिर भी जो भी फ्लक्चुएशन मार्केट है उसी से आप कमाना सीखिए, तो ज़्यादा से डाउट लग रहा है तो कॉल कीजिए मुझे तो मैं आपको गाइड करूँगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।